भाई इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। जिस तरह से कल से आज से जो है टोरेंट आया है, टोरेंट को लेकर जिस तरह से यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं, जिस तरह से 1 मार्च से जो है एमएसबी ने जो है टोरेंट को हैंड ओवर कर दिया है और उसको लेकर जो है लगातार विरोध हो रहा है। हालांकि रात के समय जो है यहाँ पर टोरेंट के जो है बोर्ड लगाए गए थे, लेकिन कुछ ही देर बाद जो है उस बोर्ड को उतार दिया गया है और आज सुबह होते ही यहाँ के जो मी मुम्बरे का संस्था के लोग हैं वो यहाँ पर जो है विरोध करने के लिए पहुँचे हुए हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं, क्या कहेंगे आप? जिस तरह से कहा जा रहा था कि टोरेंट नहीं आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो है महावितरण ने हैंड ओवर कर दिया है टोरेंट को। देखो, हमने जो 27 तारीख को ये लेटर आया है तुम्हारा MEC DCL का डायरेक्टर ऑपरेशन को दिया गया हैंड ओवर के टेक ओवर के लिए, तो इससे पहले 26 तारीख को हमने लेटर डाला था कि पार्ट पेमेंट दिया जाए, रॉन्ग बिलिंग खत्म किया जाए, वरना हम लोगों ने इंटीमेशन दिया था भूख हड़ताल के लिए। और नेक्स्ट डे ये हुआ, हमने RTI भी डाले, काफ़ी चीज़ों की मांगनी की, लेकिन ये जो हुआ ये हमारे लिए नहीं गलत है। माननीय उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार, माननीय पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब और माननीय जो ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत साहब, इन लोगों ने वादा किया था। 5 फरवरी को बैठक हुई थी हमारी, अधिकृत बैठक हुई थी, ऑफिशियली हम लोगों को बैठक किया गया था और उसमें ये तय किया गया था कि आप लोगों को 3 महीने का टाइम दिया जाता है, 3 महीने में अगर कलेक्शन अच्छा आया तो हम लोग बैठक करेंगे और टोरेंट को कैंसिल करने का सोचा जाएगा। अब वो 20 दिन भी गुजरा नहीं, 25 दिन भी गुजरा नहीं, तो ये लेटर इशू हो जाता है। तो हम लोगों ने कल भागम दौड़ी, जब हमको पता चला तो हम लोग गए थाना, घूमे पूरा, और एकनाथ शिंदे साहब हमको मिले शाखा में, वहाँ हमने बात करी, ऐसा ऐसा हुआ, तो उन्होंने बताया कि मेरे नॉलेज में नहीं था और ऐसा होने नहीं देंगे। जब बैठक में ये मान लिया गया, आप लोगों को 3 महीने का टाइम दे दिया गया, तो कैसे ये हो सकता है? ठीक है, बोले मैं बात करूँगा ऊर्जा मंत्री से और उसके बाद में हम लोग उसका निकालेंगे। लेकिन काफ़ी वक्त होने के बाद ये भी नहीं हुआ, तो रात के टाइम पे फिर वापस गए, उनके घर पे बात हुई, तो उन्होंने MD से बात करी और MD से बात करने के बाद उन्होंने निर्देश दिया और उस निर्देश का पालन करते हुए यहाँ पे बोर्ड उतारे गए। और इंशाल्लाह ताला आगे हम और बात करेंगे, अभी अजीत दादा पवार से। बोर्ड उतरने से क्या मतलब है? हैंड ओवर अगर हो गया है टोरेंट को तो बोर्ड लगे या ना लगे क्या मतलब है? चार्ज तो टोरेंट संभाल रही है ना? बिल्कुल चार्ज संभाल रही, आज चार्ज लिए उसने, लेकिन बोर्ड उतरना, जो फिर बोर्ड लगाने का क्या मतलब था? बोर्ड उतरने पालक मंत्री ने या शरद या जो है अजीत पवार ने, क्या आप लोगों को कुछ लिखित में ऐसा आश्वासन दिया था? हाँ, टोरेंट के पास तो सरकार का वो है, यहाँ पर 20 साल का एग्रीमेंट हो चुका है। 20 साल का एग्रीमेंट दिसंबर 2018 में हो चुका था, 26 जनवरी 2019 को इन लोग हैंड ओवर टेक ओवर लेने वाले थे, लेकिन 20 जनवरी 2019 को हम 17 लोगों ने भूख हड़ताल की थी और उसके बाद में आंदोलन भी हुआ, मोर्चे भी हुए, बहुत कुछ हुआ। तो जब 26 जनवरी 2019 को ये लेने वाले थे, नहीं ले पाए, तो 1 साल गुजर गया। अभी दूसरी बात ये है कि बोर्ड लगाने का कोई मकसद था तो बोर्ड उतारने का भी मकसद हुआ। दूसरी बात ये, 5 फरवरी को जो अधिकृत मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स रिकॉर्ड है, उसके मिनट्स में ये दिया गया कि 3 महीने का हमारे पास टाइम है, हमको दिया गया, उसी के ऊपर हम जो है अजीत दादा पवार से मिलेंगे और इसके बारे में बात करेंगे और ये हैंड ओवर टेक ओवर पीछे लिया जाएगा। ये होगा नहीं, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो ये टोरेंट कैंसिल होके रहेगी और आप लोगों का साथ रहा तो बहुत जल्द कैंसिल होके रहेगी। अच्छा, बिल कैसे पूरा करेंगे? आप बार बार कह रहे हैं कि जो है बिल जो है पैसे जो बकाया वो पूरा कीजिए, लेकिन 12 लाख की आबादी है, 35,000 मीटर है, तो लोग कैसे बिल भरेंगे, कैसे पूरा होगा वो? अभी हमारे बात करने के बाद 5 फरवरी से लेके अभी तक के 30 से 32 हजार मीटर नवे इंस्टॉल हो गए, 500 रुपये से हिसाब लगा लो आप, अगर कम से कम बिल आता है तो। ये जो मीटर नहीं दे रहे थे, जिनको नहीं मिल रहा था मीटर, वो तो डायरेक्ट लाइन यूज़ कर रहा था, वो तो मतलब नुकसान में जा रहा था। अभी ये लगाएंगे मीटर जो इंस्टॉलेशन, अभी 68,000 और मांगनी की हम लोग ने, अगर 1 लाख मीटर पूरे होते और सब मीटर लग जाते तो उतना बिल रिकवर होगा। हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके लोगों को बोल रहे हैं कि बिल भरो, अगर तुम्हारा पार्ट पे, हमने पार्ट पेमेंट की मांग की, अगर 15,000 बिल है तो 5,000 भरो, अगले महीने 5 भरना, उसके अगले महीने 5 भरना, तो हम लोगों ने ये मांगनी की है और ये इंशाल्लाह ताला चालू होगा। पार्ट में पालक मंत्री से मुलाकात की इस बारे में, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हमने जो 3 महीने के जो अधिकृत बैठक हुई थी मीटिंग में, 3 महीने का आपको टाइम दिया था, वो 3 महीने हैंड ओवर नहीं ले सकती है टोरेंट। तो फिर ये कैसे ले ली?
ये ले ली, उनके नॉलेज में नहीं था, उन्होंने साफ बोला कि मेरे नॉलेज में नहीं था, फिर उन्होंने एमडी से बात करके ये सब रुकाए और आज संडे है, इंशाल्लाह कल मंडे को हम अजीत दादा पवार से मिलेंगे और इस एंडेवर को रुकाए। आज पक्का यकीन से कह सकते हैं कि उनके नॉलेज में ये नहीं था? अब उन्होंने कहा तो मैं उनको झूठा कैसे साबित करूँ, जब उन्होंने कहा और उन्होंने डायरेक्ट एमडी से बात करी और रुकाया तो ये बहुत बड़ी बात हो गई ना। मैं उनके ऊपर तो रुकाया कहाँ, रुका कहाँ, वो तो हैंडओवर हो गया, रुक गया है, रुक गया है। आप देखो ना, अभी कल से मालूम पड़ जाएगा आपको, आज तो छुट्टी का दिन है, आज ना आप तय कर सकते हो ना मैं तय कर सकता हूँ, कल के दिन अगर नहीं, हमने तो हुंडी करी जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे महावितरण के, उनसे रात में ही हमने बात की, उन्होंने कहा कि आज हमने हैंडओवर कर दिया है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अलग बात है और मैनेजिंग डायरेक्टर अलग चीज़ होती है। मैनेजिंग डायरेक्टर जो होता है वो पूरे इसका वरिष्ठ होता है, पूरे MSADCL का, पूरे महाराष्ट्र महावितरण का वो एक लोता जो है चेयरमैन होता है और मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है वो, असीम गुप्ता साहब, उनसे उन्होंने बात करी है और कल इसका इंशाल्लाह ताला निकाल निकलेगा। और ये रोक दिया, या तो उन्होंने हमको मीटिंग में झूठ बोला 3 महीने का जो टाइम दिया, या तो फिर इनको रुकाना पड़ेगा, या तो ये मिनट्स रिकॉर्ड है, बोल रहा ना, लिखित में देने की जरूरत नहीं है। जब मीटिंग होती है, जब हमको इनविटेशन का लेटर दिया गया था, इनविटेशन में सारे चीज़ें लिखी गई थी और इनविटेशन के लेटर के बाद, इनविटेशन के लेटर में लिखा गया था कि हर एक बात मिनट्स रिकॉर्ड होगी, तो मिनट्स रिकॉर्ड है क्योंकि वो लीगल मीटिंग थी, लीगल मीटिंग में अगर मिनट्स रिकॉर्ड हुए तो उसमें 3 महीने का टाइम लीगल है, लिखित में देने की जरूरत नहीं, मिनट्स मिलेगा, मिनट्स हमको दिया जाएगा, हमने कलेक्ट नहीं किया, कलेक्ट कर लेंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 3 महीने का टाइम हमारे पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने बोले 3 महीना आपको मिलेगा, मतलब मिलेगा, और टोरेंट 3 महीना नहीं आएगी, मतलब नहीं आएगी, 3 महीना बाद कलेक्शन देखा जाएगा, कलेक्शन के ऊपर अगर रिकवरी अच्छी हुई तो इंशाल्लाह फिर बैठक होगी और उसके बाद हमारी मांगनी। कब कहा था ये बात? मिनट्स वो मीटिंग में ही कहा था, हमारे अजीत दादा पवार साहब ने कहा था, उप मुख्यमंत्री साहब ने कहा था कि अगर लॉस, ठीक है वो कहा, कितना दिन हो गया वो कहे, लेकिन अभी टोरेंट तो आज आ गई ना, 5 तारीख कहाँ और आज कितनी तारीख, ये महीने की पाँच तारीख हुआ, 25 दिन हुआ, मिनट्स रिकॉर्ड है, पालक मंत्री ने पूरी तरीके से आश्वासन दिया है कि आप लोगों को 3 महीना दिया है, मतलब दिया है, 3 महीने तक टोरेंट नहीं आएगी और कलेक्शन अच्छा हुआ, रिकवरी अच्छी हुई तो फिर हम लोग बैठ के बात करेंगे और टोरेंट को कैंसिल करने के बारे में सोचा जाए। आपने इस मसले पर जो यहाँ के आमदार है उनसे बात की है, मुलाकात की? जी हाँ, मैं विधान परिषद में जाके उनसे उनकी गृह निर्माण मंत्रालय के उनकी ऑफिस में जाके मिला, हमारे टोरेंट हटाओ कृति समिति के सारे लोग थे, उनसे मिले थे, उनसे बात किए थे, उन्होंने बोला था कि हम ऊर्जा मंत्रालय को लेटर इशू करेंगे, तो उन्होंने कोई इशू नहीं किया और कोई बात नहीं करी। मैं पत्रकार लोगों से गुजारिश करता हूँ मीम उमरेकर की तरफ से कि आप लोग हमारे क्षेत्र के MLA डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड से मिले और उनसे पूछे कि आपने कहा था कि पैर रखने नहीं देंगे तो ये लोग आ गए हैं, तो आज आपको पावर ज़्यादा है तो आप किस तरीके से कदम उठाएंगे और किस तरीके से मुमरा क्षेत्र को आप बचाएंगे, मुमरा और कलवा। आप लोगों का अगला कदम क्या होगा अगर टोरेंट नहीं हटी से, आज से तो चार्ज ले लिया, क्या हमारा कल अगला कदम होगा? उप मुख्यमंत्री से मिलना और उसके बाद में हमको जिस तरीके से आश्वासन मिलेगा उस तरीके से हम चलेंगे, क्योंकि जब उनने 3 महीने का टाइम दिया तो हमको 3 महीना चाहिए, और अगर ये वचन झूठे निकले तो हम रास्ते पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, और भूख हड़ताल की भी इंटीमेशन दिया हुआ है, हम लोग फिर से 17 लोग M-Gate के पास भूख हड़ताल पे बैठेंगे। तो आपने सुना कि जिस तरह से जो यहाँ विरोध प्रदर्शन करने के लिए लोग पहुँचे थे, लेकिन यहाँ पर पुलिस का जो है भारी बंदोबस्त है, जो विरोध करने के लिए लोग यहाँ पर आए थे उन्हें पुलिस द्वारा जो है हटा दिया गया है, ताकि सुरक्षा के लिहाज से हटाया जा रहा है कि ताकि किसी भी तरह का जो है यहाँ पर कोई हालात ना बिगड़े। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर जो लोग पहुँचे थे विरोध के लिए, उनका कहना है कि अगर टोरेंट को जो है वापस नहीं किया गया, नहीं हटाया गया, तो उनका दोबारा से फिर से आंदोलन शुरू होगा, भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जिस तरह से उन्होंने बताया कि जो पालक मंत्री है उनसे भी मुलाकात की थी, और जो अजीत पवार है उनसे भी मुलाकात की थी, उन्होंने इन्हें ओरली जो है आश्वासन दिया था कि टोरेंट को नहीं आने दिया जाएगा, लेकिन वहीं इसके बावजूद जो है कहीं 1 मार्च से यानी आज से जो है महावितरण ने जो हैंड ओवर टोरेंट को कर दिया है, और अब बिजली का जिम्मा जो है सील दिवा मुमरा कलवा का टोरेंट चला रही है। कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।
ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।